जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में जो डिस्कोर्स चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट थी कि जो बसेस का फ्लीट है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो नहीं दी जाएगी, उसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफी टेंशन में थे और हम सब बखूबी वाकिफ हैं इस चीज से कि पिछले एक साल से कोविड की वजह से भी स्कूल ओपन नहीं हुए, स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और पेरेंट्स भी काफी डिफिकल्टीज इसमें फेस कर रहे हैं। उसको लेकर चलते हमने जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे हमने डिस्कशन भी की थी। आज हमने एक सीरीज ऑफ मीटिंग की है पेरेंट्स के साथ भी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ भी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो स्कूल से एसोसिएटेड हैं उनसे हमने बैठ के बात की है। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें क्लैरिटी रहे, जिसके हिसाब से सबको जो स्कूल हैं उनको भी कन्वे किया है और इसमें एक एग्रीमेंट भी हुआ है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ऑपरेशनल रहेगा नॉर्मली जैसे था। अगर कहीं भी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं डिस्टर्ब हो ना चले तो डेफिनेटली उसमें इंटरवेंशन की जाएगी। तो जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उन्होंने भी हमें अश्योर किया है कि ये ट्रांसपोर्ट का सारा जो इंतजाम है, जो निजाम है वो चलेगा प्रॉपरली। उनके साथ उसके साथ साथ जो उनके खदशात हैं, जो इश्यूज हैं, काफी देर से उनकी जो फाइनेंशियल या बाकी चीजें हैं जो बैंक से डिस्कस करने की जरूरत थी या जो गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, उस पर भी एक कंसिडर डिसीजन लिया जाएगा। आज हमने एक फ्रेमवर्क भी इसमें रखा है कि उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जहां भी ऐसे इश्यूज हैं वहां स्टेक होल्डर को बैठ के उसमें डिस्कस करने की पहले जरूरत है कोई ऐसी स्टेटमेंट देने की जगह। तो ये मैं पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी आपके जरिए इनको अश्योर करना चाहूंगा कि किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मामूल के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे स्कूल, डेफिनेटली वो करेंगे। जहां कहीं कोई ऐसी दिक्कत आएगी, कोई गैप होगा, डेफिनेटली उसमें हम इंटरवीन करके उसको रिजॉल्व करें।